एक पार्टी के सिरफिरा ने जीभ काटने की बात की, किसी ने एक शब्द नहीं बोला महोदय। ए जीतनराम मांझी यहाँ बैठे हुए महोदय, अनुसूचित जाति को एक दलित के बेटा को मंत्री तो बनाती है लेकिन इस लायक भी नहीं समझती है कि आगे के रो में बैठ करके अनुसूचित जाति का बजट पेश कर सके महोदय। कि आज भी उनको पीछे बैठाया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति है। यह है मनुवादी का, यह है मनुवाद का उदाहरण महोदय, यह है ब्राह्मणवाद का उदाहरण महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पथ निर्माण विभाग का और अनुसूचित जाति पंचायती राज और कला संस्कृति विभाग का बजट पेश किया गया है, लेकिन न्याय के साथ विकास की जो सरकार है वो अनुसूचित जाति को एक दलित के बेटा को मंत्री तो बनाती है लेकिन इस लायक भी नहीं समझती है कि आगे के रो में बैठ करके अनुसूचित जाति का बजट पेश कर सके महोदय। हमें बताना चाहते हैं कि आज भी उनको पीछे बैठाया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति है। यह है मनुवादी का, यह है मनुवाद का उदाहरण महोदय, यह है ब्राह्मणवाद का उदाहरण महोदय। कि एक उनको आगे रो में बजट पेश करने का अधिकार नहीं है महोदय। तो हम कहना चाहते हैं ये वो लोग हैं जो बाबा साहब का तो नाम लेते हैं लेकिन जय भीम और जय संविधान कभी नहीं बोलते हैं महोदय। कभी भी सदन में जय भीम और जय संविधान का उद्घोषण लोगों ने नहीं किया महोदय। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो सड़क जो बन रही है, बड़ा ही जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉडल की सड़कें बन रही है, पारकलन तो स्टीमिट तो इंटरनेशनल बन रहा है महोदय, लेकिन सड़क तो बिहार स्तर और झारखंड स्तर की भी सड़क नहीं सरकार बना पा रही महोदय। आज भी किसी भी पथ निर्माण विभाग के सड़कें पर जब आप 50 से ऊपर गाड़ी लेकर के चलिएगा तो कमर में ही दर्द होगा और कुछ दूसरा चीज नहीं होगा महोदय। इसीलिए सारे नेता बेल्ट लगाते हैं और ऐसा आराम वाला गाड़ी पर बैठना चाहते हैं जिससे कमर में दर्द नहीं हो महोदय। यह है बिहार की सड़कें 17 साल में बनाए हैं। आज किसी भी रोड की जांच कर ली जाए, पारकलन के अनुसार रोड नहीं बनता महोदय। आज रोड का इंडोलेशन देखिएगा, कहीं भी लगता नहीं कि वाइब्रेटर रोलर से काम हुआ है। रोड पे कहीं भी आपको ओपीआरएमसी में है कि रोड एम्बुलेंस हमेशा रोड पे नजर आना चाहिए। बिहार के किसी भी पथ पर रोड एम्बुलेंस नजर नहीं आता है जो गड्ढे को भरने का काम करता है महोदय। इसलिए महोदय, और दूसरी चीज है, बिहार में पहाड़ का लीज खत्म हो रहा है। जहानाबाद गया ये तमाम जगह के लोगों को ये जो मानपुर का गेरे है वहां से लीज मिलता है लेकिन वहां पहाड़ का लीज खत्म कर दिया गया है। उनको झारखंड और दूसरे राज्य से पत्थर ला करके सड़क बनाना पड़ रहा है। तो लीज देते हैं आप गया का और पत्थर आता है चतरा का तो रोड कैसा बनेगा महोदय। तो ये तमाम चीजों को सरकार को दुरुस्त करना होगा महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अनुसूचित जाति पर बात हुई है, अनुसूचित जाति का आज बजट है, हम उस पे बोलना चाहते हैं महोदय। हम बोलना चाहते हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास वाली सरकार है लेकिन इसी सदन के मुखिया रहे जीतनराम मांझी जी, जिनको एक पार्टी के सिरफिरा ने जीभ काटने की बात की, किसी ने एक शब्द नहीं बोला महोदय। ए जीतनराम मांझी यहां बैठे हुए महोदय, यह है दलितों का सम्मान बिहार में महोदय। यहां के चीफ सेक्रेटरी रहे सुधीर कुमार जी, पूरा फाइल लेकर के थाना में बैठे रहे क्योंकि वो दलित थे, उनका एफआईआर तक नहीं दर्ज होता महोदय। ये है बिहार की हकीकत महोदय। और हम ये तमाम चीजें ये बजट पर क्या बोले महोदय। हम तो बजट पे यही कहेंगे, होली का दिन है, होली की शुभकामना भी देते हैं कि गोलमाल होते होते हम माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। ये स्थिति है महोदय। ये बजट पेश होते होते सब उसी में घोटाला हो जाता है। ये स्थिति है महोदय। बिहार में दलितों के साथ में जितना अन्याय हुआ है उतना देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ महोदय। हम पूछना चाहते हैं महोदय कि अनुसूचित जाति उप योजना अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाई गई है लेकिन अनुसूचित जाति के विकास के पैसे को दूसरे विभागों में डाइवर्ट कर दिया जाता महोदय।
यह है बिहार की हकीकत। हम कितना पैसा डाइवर्ट हुआ महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भले ही बजट 17,295 करोड़ रुपए का माननीय मंत्री जी ने पेश किया यहाँ पे, लेकिन अनुसूचित जाति की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 10% आबादी है। अगर उनकी आबादी को ही आधार बना लिया जाए महोदय, तो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट अनुसूचित जाति के लिए पेश होना चाहिए था महोदय, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं और उसमें किस तरीके से फिर अनुसूचित जाति के लोगों को जो ठगने का काम होता महोदय वो बताना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 2019 के बीच की कहानी बताते महोदय कि ये 8800 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति का दूसरे विभाग में कन्वर्ट किया गया महोदय, ये कन्वर्ट किया गया है, इसकी जांच कराई जाए महोदय। ये जो है बिजली विभाग को 2076 करोड़ रुपया दे दिया गया अनुसूचित जाति का पैसा, ऊपर से 460 करोड़ रुपया बिजली विभाग को अलग से लोन दिया गया अनुसूचित जाति विभाग से महोदय। उसके साथ साथ बिहार में जो सड़क चमचमाते हुए के बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण के लिए अनुसूचित जाति विकास का पैसा 3,061 करोड़ रुपया सड़क विभाग को ट्रांसफर किया गया महोदय। उसके अलावा 1,202 करोड़ रुपया बाढ़ और नियंत्रण पर अनुसूचित जाति का पैसा खर्चा किया गया महोदय, और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कहीं दूसरे जगह से पैसा नहीं मिला तो अनुसूचित जाति का 1,222 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज बनाने में खर्चा किया गया। दूसरा महोदय, 776 करोड़ रुपया हमारे यहां कृषि विभाग में बिल्डिंग बनाने के लिए अनुसूचित जाति का पैसा को डाइवर्ट कर दिया गया, तो अनुसूचित जाति का विकास कैसे होगा महोदय? अनुसूचित जाति के मंत्री तो बना दिए जाते हैं लेकिन पैसा जब डाइवर्ट होता है तो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है महोदय, चुपचाप साइन कर देते हैं। यह स्थिति है हमारा पैसा, जबकि अनुसूचित जाति इस ब्राह्मणवादी संस्कृति में, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, छुआछूत ऊंच नीच के व्यवस्था में सदियों से उत्पीड़ित है, सदियों से प्रताड़ित है। आज भी उनको घोड़ा चढ़ने पर प्रतिबंध है महोदय, आज भी जीताराम मांझी जी जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है महोदय। ये संस्कृति आज भी जब व्याप्त है, ऐसी स्थिति में उनके लिए विशेष योजना चला करके उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को, तो सारा पैसा डाइवर्ट करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और पथ निर्माण विभाग का बजट एक साथ लाया गया है, क्या एक भी अनुसूचित जाति का बेटा पथ निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता है? नहीं करता महोदय, एक कुछ खास विशेष जाति के लोग कॉन्ट्रैक्टरी पे कब्जा बनाए हुए महोदय। जीतनराम मांझी जी ने 2014 में शुरुआत की थी कि 75 लाख तक के जो टेंडर होंगे उसमें रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको ठंडे बस्तों में डाल दिया, अब अनुसूचित जाति के बेटों को टेंडर में ठिकाना नहीं मिलता महोदय। तो मांझी जी पता नहीं कैसे उस तरफ उनका नींद आता है, हमको भी जितना अनुसूचित जाति के बारे में मांझी जी सोचते थे बोलते हैं लेकिन उस तरफ कैसे नींद आता है, हमको उनके सेहत को लेकर के बड़ी चिंता है महोदय। हम पूछना चाहते हैं महोदय कि बिहार में 2014 से पहले और 2000 मांझी जी थे तब भी और 2016 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी महोदय, और 2016 के बाद बिहार के दलित के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। हम पूछना, ये प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, आप तमाम लोग के लिए हम बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को 2017 में जो 4 सालों का जो उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिला, उत्तर प्रदेश को 2017 से लेकर 2018, 2020, 2021 में 3,474 करोड़ रुपया मिला महोदय, जिसमें से 53 लाख लोगों को छात्रवृत्ति दिया गया। पश्चिम बंगाल में 279 करोड़ रुपया दिया गया जिससे 15 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दिया गया। वहीं तमिलनाडु में 2887 करोड़ रुपया पैसा केंद्र सरकार ने
अपने उस राज को दिया जिससे वहां के लगभग 29 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दिया गया। लेकिन बिहार में महोदय डबल इंजन की सरकार, जो डबल स्टैंडर्ड की सरकार साबित हो रही है, मात्र 47 करोड़ रुपया दिया गया महोदय। सोचिए उससे कितने छात्रों का विकास होगा महोदय, मात्र 47 करोड़ रुपया, क्योंकि बिहार सरकार को 40% पैसा मिलाना पड़ेगा, इसलिए केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति का पैसा इन्होंने लिया ही नहीं। तो दलितों के साथ में अन्याय हो रहा कि नहीं महोदय, इस बात को नोट किया जाए। मंत्री महोदय, आप भी दलित परिवार से हैं, आप भी गरीब परिवार से हैं, कि बिहार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसे मांझी जी चला रहे थे, वैसे आप भी उनके बेटे हैं, उस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाइए, तब जाके बिहार के बच्चे हाई एजुकेशन में जाएंगे, तब जाके बिहार के बच्चे मेडिकल कर पाएंगे, इंजीनियरिंग कर पाएंगे, बीटेक कर पाएंगे। महोदय ये स्थिति है, इसलिए महोदय इंजीनियरिंग में कोई नहीं जा पा रहे महोदय। और इनका एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्र सरकार ने चालू किया है, और वो है फ्री सिप कार्ड योजना। फ्री सिप कार्ड योजना 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए महोदय, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल सरकार ने लागू किया है। वो फ्री सिप कार्ड योजना महोदय कि अनुसूचित जाति के बच्चों को कार्ड दिया जाएगा, और उनको जहां भी एडमिशन मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सरकारी संस्थान में जब एडमिशन लेंगे तो उनको एक रुपया भी नहीं लगेगा, और वो फ्री सिप कार्ड के एवज में उनका एडमिशन होगा। एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे के खाता में पैसा आएगा, और एक सप्ताह के बाद वो बच्चा उस इंस्टीट्यूशन को पैसा ट्रांसफर करेगा। लेकिन बिहार सरकार ने इस योजना को भी लागू नहीं किया महोदय, फ्री सिप कार्ड योजना को। तो दलितों के साथ में ये न्याय करने वाली सरकार क्या न्याय कर रही है, ये साफ साफ आंकड़ों से झलकता महोदय, कि बिहार से जो बाहर राज हैं, तमिलनाडु, गुजरात, जहां पे हमसे कम आबादी अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन 60 लाख से ज्यादा बच्चे अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 60,000 बच्चों को हम आवासीय विद्यालय तक पहुंचा पाए हैं। 60,000 बच्चों को ही 60,000 बच्चों को ही आवासीय विद्यालय तक पहुंचा पाए महोदय, ये है न्याय के साथ विकास का खाका महोदय। ये इस सरकार को चाहिए था महोदय कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रखंड स्तर पे विद्यालय खोले जाए। और महोदय हम एक कहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरा जोर शोर से चर्चा हुई है, जोर शोर से चर्चा हुई है। पिछले 3 वर्षों में इंदिरा आवास मद में 2143 करोड़ रुपया बिहार को अनुसूचित जाति के लिए प्राप्त हुआ, लेकिन इस सरकार ने इस पैसा को अनुसूचित जाति के आवास बनाने पे नहीं इस्तेमाल किया, इसको दूसरे मद में ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से यदि वो 40% मिलाते तो 3,000 करोड़ रुपया होता महोदय। इसी वजह से 3 साल में डंके की चोट पे करे महोदय, मात्र 61 अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया पूरे बिहार में, मात्र 61। ये है स्थिति महोदय, ये है अनुसूचित जाति के पैसे का बंदरबांट हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इस सदन से कि अनुसूचित जाति के पैसे की मॉनिटरिंग के लिए एक विधानसभा की कमिटी बननी चाहिए, जो उसके पैसे को कहीं डाइवर्ट नहीं किया जा सके। हमें चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर अनुसूचित जाति के तमाम फंड के क्रियान्वयन के लिए एक कमिटी बननी चाहिए महोदय। और जो विद्यालय महोदय, थोड़ा सा संरक्षण आपका चाहिए महोदय, हल्ला गुल्ला में शुरू में समय मेरा बर्बाद हुआ था। हम बोलना चाहते हैं महोदय कि जो भी अंबेडकर आवासीय विद्यालय बिहार में चल रहे हैं, मंत्री जी तो नहीं घूमते हैं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी घूमते थे महोदय, मैं घूमता हूं, यदि 384 बच्चों का नामांकन है तो मात्र 83 और 85 बच्चे उस विद्यालय में निवास करते हैं, लेकिन खाना का पैसा 384 बच्चों का निकलता महोदय। यह है घोटाला बिहार में, यह है अटेंडेंस घोटाला पूरे बिहार के आवासीय विद्यालयों में चल रहा महोदय।
इसकी जांच कराई जाए। और एक दूसरी बात महोदय, बिहार में 80,000 अनुसूचित जाति का बैकलॉग पद खाली महोदय, वो सरकार कब भरेगी? यदि सरकार बैकलॉग को भर दे तो हरेक घर को एक नौकरी मिल सकता है महोदय। उस बैकलॉग का भरने का क्या सरकार के पास में कुछ न्याय के साथ विकास दलितों के तरफ भी पहुंचाने का है कि नहीं महोदय? इसीलिए हम एक कहना चाहते हैं, लास्ट में एक लाइन बोल करके हम बात कहना चाहते हैं महोदय, कि दलितों की जो स्थिति बिहार में बन गई है, वो निराला जी की कविता जो है महोदय, कि चाट रहे थे झूठे पत्तल, वो सड़क पे खड़े हुए और झपट लेने के उनसे कुत्ते भी थे अड़े हुए महोदय। ये स्थिति बिहार में बना दी गई है। इन्हीं बातों के साथ हम तब आपका इस पूरे सदन का आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।